हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योर क्लास योर फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे 10वीं कक्षा हिंदी विषय पाठ 3 गिल्लू का जो अभ्यासक्रम है, पाठ के पीछे का उसका भाग 2। ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में मेन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर अंत तक के सभी प्रश्न, ठीक है। तो हमारा 6ठा मेन प्रश्न है, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये कनाडिया हो गए, उसको कन्नड़ कर लीजिए, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखेंगे पहला प्रश्न। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। इसका उत्तर है, इष्टो घंटेगळ उपचारद नंतर बाईयल्ली ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕಲಾಯಿತು, ಠೀಕೆ। ದೂಸರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಡಿ ಕಠಿನಾಯಿ ಸೆ ಮೈನೆ ಉಸೆ ಥಾಲಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಬೈಠನಾ ಸಿಖಾಯಾ। ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ಉತ್ತರ ಹೈ, ಅನುವಾದ ಹೈ, ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ। ತೀಸರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇ, ಗಿಲ್ಲು ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ರಖಿ ಸುರಾಹಿ ಪರ್ ಲೇಟ್ ಜಾತಾ ಥಾ। ಇಸ್ಕಾ ಉತ್ತರ ಹೈ, ಅನುವಾದ ಹೈ, ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿತ್ತು। ಪ್ರಶ್ನ ನಂಬರ್ 4, ದಿನ ಭರ್ ಗಿಲ್ಲುನೆ ನಾ ಕುಚ್ ಖಾಯಾ ನ ವಹ ಬಾಹರ್ ಗಯಾ। ಸುರಾಯಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿ ಹೂಜಿ, ಓಕೆನಾ, ಹೂಜಿ ಅಂತಲೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದ್ರಿ, ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬದಲು ಹೂಜಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ। ಸೊ ಚೌಥಾ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದಿನ ಭರ್ ಗಿಲ್ಲುನೆ ನಾ ಕುಚ್ ಖಾಯಾ ನ ವಹ ಬಾಹರ್ ಗಯಾ। ಸೊ ಇಸ್ಕ ಅನುವಾದ ಹೈ, ದಿನವೆಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗೂ ಸಹ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7, दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए। ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द को दिया है, सिर्फ हमें उसे सही जगह पर लिखना है। तो चलिए देखेंगे कौन कौन से है वह शब्द। मयूरी, लेखिका, श्रीमती, कुतिया, ठीक है। तो पुल्लिंग एक तरफ है, स्त्रीलिंग एक तरफ है। तो देखेंगे पहला है पुल्लिंग, लेखक, तो इसका स्त्रीलिंग हो गया लेखिका, लेखक लेखिका। दूसरा है श्रीमान, उत्तर है श्रीमती, श्रीमान श्रीमती। तीसरा है मयूर, स्त्रीलिंग मयूरी, मयूर मयूरी। चौथा है कुत्ता, कुत्ता का स्त्रीलिंग कुतिया, कुत्ता कुतिया। प्रश्न नंबर 8, खाली जगह भरिए, किससे भरना है हमें, एक वचन या फिर बहुवचन से। अगर एक वचन रहा तो बहुवचन लिखना है, बहुवचन रहा तो एक वचन लिख के इस जगह को हमें भरना है, ठीक है। एक वचन उंगली, बहुवचन उंगलिया। फिर डैश आंखें, बहुवचन है आंखें, इसका एक वचन हो गया आंख।
एक वचन है पूंछ, बहुवचन हो गया पूंछ। पूंछ का बहुवचन है पूंछे, ठीक है। चौथा है डैश खिड़कियां, यहाँ पर बहुवचन दिया गया है, एक वचन होगा खिड़कियों का, एक वचन होगा खिड़की। पांचवा है फूल, एक वचन बहुवचन भी हो जाएगा फूल, ठीक है। कुछ शब्द है जो कि एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान ही प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डैश पंजे, पंजे बहुवचन, इसका एक वचन हो गया पंजा, ठीक है। सातवां है लिफाफा, यह एक वचन है, इसका बहुवचन हो गया लिफाफे, लिफाफा लिफाफे। कौवा बहुवचन रूप कौवे, कौवा कौवे। नौवां है डैश गमले, गमले बहुवचन, एक वचन गमला, गमला की यानी कि पॉट, ठीक है, पौधा लगाने के लिए गमला गमले। डैश घोंसले, घोंसले बहुवचन, इसका एक वचन है घोंसला, घोंसला घोंसले, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए, ठीक है। यहाँ पर क्रिया रूप दिया गया है, उसका प्रेरणार्थक लिखना है, प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। तो पहला है, एक उदाहरण है चिपकना, प्रथम प्रेरणार्थक चिपकाना, द्वितीय है चिपकवाना, ठीक है। तो नेक्स्ट है लिखना, लिखाना, लिखवाना, ठीक है। मिलना, मिलाना, मिलवाना। तीसरा है चलना, चलाना, चलवाना। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण है देखना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक दिखाना, दूसरा प्रेरणार्थक दिखवाना, ठीक है। इसी प्रकार हमें आगे के बदलना है, लिखना है भेजना, भिजाना, भिजवाना, ठीक है। खेलना, खिलाना, खिलवाना। नेक्स्ट है देना, दिलाना, दिलवाना, ओके। तीसरा उदाहरण है सोना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक सुलाना, दूसरा प्रेरणार्थक सुलवाना। तो चलिए इसका देखेंगे, रोना आगे है, रोना, रुलाना, रुलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, खोलना, खुलाना, खुलवाना। चौथा उदाहरण है पीना, और इसका प्रथम प्रेरणार्थक पिलाना, दूसरा प्रेरणार्थक पिलवाना, ठीक है। उसी प्रकार सीना, सिलाना, ओके, सीना मीन्स स्टिच करना, ठीक है, सिलाना, सिलवाना। नेक्स्ट है सीखना, सिखाना, सिखवाना, ओके। और पांचवा उदाहरण है मांगना, मंगाना, मंगवाना। उसी प्रकार नेक्स्ट आएगा बांटना, बटाना, बटवाना, मांझना, मझाना, मंझवाना, मंझाना, मंझवाना, जांचना,
जंचाना, जांचवाना, ठीक है। तो यह हो गए हमारे प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10, विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर भी उदाहरण एक एक दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें बाकी के लिखने हैं। निकट, इसका विलोम हो गया दूर। तो आ गया है, पहला है दिन, रात, भीतर, अंदर या फिर बाहर, चढ़ना, उतरना, ठीक है। दूसरा है उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ठीक है। उसके हिसाब से आगे के हमें लिखना है। पहला है उपयोग, उसमें अ जोड़ के हमें उसका विलोम करना है। जैसे कि उपयोग, अनुपयोग, उपस्थिति, अनुपस्थिति, उचित, अनुचित। आगे है ईमान, उसका विलोम हो गया बेईमान, यानी कि बे लगाना है और हमें क्या करना है, उसका विलोम शब्द बनाना है। तो चलिए देखेंगे, पहला है होश, इसको अगर बे लगाए तो ये हो गया बेहोश, होश के बिल्कुल विरुद्ध बेहोश। खबर, बेखबर। चैन, बेचैन। चलिए आगे का उदाहरण है विश्वास, उसके विरुद्ध है अविश्वास, यानी कि विश्वास के आगे अ लगाया तो वह उसका विलोम अविश्वास बन गया। तो उसी प्रकार हमें बाकी के भी बनाने हैं अ को लगाकर। प्रिय, प्रिय के सामने अ लगाए तो यह हो गया उसका विलोम अप्रिय, ठीक है। संतोष, अ लगाए तो बन गया असंतोष। स्वस्थ, स्वस्थ के आगे अ गया तो बन गया अस्वस्थ, ठीक है, अस्वस्थ। प्रिय, अप्रिय, संतोष, असंतोष, स्वस्थ, अस्वस्थ। आगे धन, निर्धन, नी को लगाना है और की मात्रा को वहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। जन, निर्जन, बल, निर्बल, न और अ को मिला के लिखना है, ठीक है। गुण, निर्गुण। आगे है बलवान, उसका विलोम है बलहीन, ठीक है। पहला है बुद्धिमान, तो ये हो गया बुद्धिहीन। शक्तिमान, शक्तिहीन। दयावान, दयाहीन, ओके। आगे का मेन प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं हमें, उनको चुनना है और लिखना है। खाना, शरीर, चिकित्सा, इलाज, देह, तलाश, भोजन, साहस, अचरज, धैर्य, ढूंढ, आश्रय। उदाहरण, उपचार, चिकित्सा, इलाज। पहला है गात, समानार्थ है शरीर, देह। सेकेंड वन आहार, खाना, भोजन। तीसरा विस्मय, अचरज, आश्चर्य। चौथा हिम्मत, साहस, धैर्य। पांचवा खोज, तलाश, ढूंढ। प्रश्न नंबर 12, कारक का नाम लिखिए।
गमले के चारों ओर, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है ना उसका हमें कारक लिखना है, गमले के संबंध कारक। ओके, पहला है मुंह में एक बूंद पानी, मुंह में यह अधिकरण कारक हो गया। दूसरा है गिल्लू को पकड़कर, गिल्लू को अंडरलाइंड है, यह हो गया कर्म कारक। तीसरा है जीवन का प्रथम वसंत, अंडरलाइंड है जीवन का, तो यह हो गया संबंध कारक। नेक्स्ट फोर्थ वन, खिड़की की खुली जाली, खिड़की की यह अंडरलाइंड है, यह हो गया संबंध कारक। पांचवा है मैंने किले निकाल कर, मैंने अंडरलाइन है, इसका कारक हमें लिखना है, यह है कर्ता कारक। छठा है झूले से उतर कर, झूले से यह है करण कारक। सातवां है सोन जूही, सॉरी सुराही पर लेट जाता, सुराही पर अंडरलाइन है अधिकरण कारक। आठवां है कुछ पाने के लिए, पाने के लिए अंडरलाइन है, यह है संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई शब्द पहली से पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए, हमें यहाँ में से 8 पशु पक्षी के नाम लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है मोर, दूसरा हंस, तीसरा कुत्ता, चौथा मयूर, पांचवा गरुड़, छठा कबूतर, सातवां बिल्ली, आठवां कौवा। चलिए आगे देखेंगे। भाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान में आपको व्यंजन संधि के बारे में दिया गया है। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, सत प्लस आचार सदाचार, वाक प्लस मय वाण्मय, वाक प्लस ईश वागीश, शब्द प्लस दर्शन षड्दर्शन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है संधि विच्छेद करके लिखिए, हमें यहाँ पर संधि को विच्छेद करके लिखना है। पहला है तल्लीन, विच्छेद करें तो तत् प्लस लीन तल्लीन। चिदानंद, दूसरा चित प्लस आनंद चितानंद चिदानंद। ओके, चित प्लस आनंद को मिलाए तो चिदानंद बन जाता है। दिगंबर, दिक प्लस अंबर दिगंबर। सज्जन, सत प्लस जन सज्जन। सदगति, सत प्लस गति सदगति। ठीक है, तीसरा और अंतिम प्रश्न है स्वर संधि और व्यंजन संधि के शब्दों की सूची बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे हमें क्या है स्वर संधि और व्यंजन संधि में उसे हमें बांटना है और उसे सूची बनाकर लिखना है। ठीक है, सदाचार गिरीश वागीश इत्यादि, सदैव नयन जगन्नाथ, महोत्सव षड्दर्शन जगनमोहन। तो चलिए पहले स्वर संधि को देखेंगे। सदाचार गिरीश वागीश सदैव नयन इत्यादि।
ये सभी स्वर संधि के भीतर आते हैं। व्यंजन संधि है जगन्नाथ, जगन्मोहन, षड दर्शन। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले पाठ को देखते रहिए। थैंक यू।